हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि दो हमारे पास चार्जेस हैं, कोई डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, तो उस थर्ड चार्ज के किस वैल्यू और किस पोजीशन के लिए सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज एंड पोजीशन सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो देखिए, तो पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ चार्ज फॉर इक्विलिब्रियम। तो देखिए, इसमें दो चीजें, पहले फॉर लाइट चार्जेस, फॉर लाइट चार्जेस, हमारे पास अगर लाइट चार्जेस है, अगर हमारे पास लाइट चार्ज है, तो लाइट चार्ज मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव नेगेटिव होगा। ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लीजिए, या तो हम नेगेटिव नेगेटिव ले लेंगे। तो वो जो थर्ड चार्ज है हम कहां पे रखेंगे, इसके लाइन ज्वाइनिंग इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में कहीं रखेंगे, या पहले पहली बार मैं प्लस ले लेता हूं। ठीक, यहां लिखते हैं, लिख दूंगा द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड इन बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के बीच में ही रखा जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, अब यहां रख दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर लाइक होगा तो हमने बताया इन दोनों के बीच में ही रखा जाएगा। ठीक, अच्छा, पहले एक समझाते थे तो दूसरा बताता हूं। तो हम ये देखें कि इसके बीच में ही क्यों रखते हैं। तो बताइए, मान लेता हूं ए है, ये हमारा क्या है, बी है। इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा, बताइए किधर लगेगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा या फिर, और ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, या इसे सी नहीं कर देता हूं, सी ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा, am I right? ठीक, अच्छा, तो हम ये देखेंगे कि यहां बीच में क्यों रखा, आउटसाइड में क्यों नहीं रखा। तो उसके लिए हमको एक बात जाननी पड़ेगी, कि जो हमारा जो फोर्स होता है ना, वो क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमारा जो फोर्स होना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, ये इधर ये इधर, यानी इसका जो नेट फोर्स होगा वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसका मतलब ये है एफ वन, यानी ये देखिए एफ टू क्या है, पॉजिटिव की तरफ है, माइनस क्या है, ये नेगेटिव की तरफ है, एफ नेट कितना है, जीरो है, तो क्या हो जाएगा, F1, यानी F1 will be equal to F2। तो हमने क्या बताया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने के लिए मैंने ऐसे किया। तो हमको हर हाल में ये देखना होगा इस पर जो फोर्स लगेंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो मैं ये देखूंगा इन दोनों के बीच में ही क्यों रखते हैं हम। ठीक, तो देखिए, अगर मैं कहूं ये हमारे पास दो चार्जेस है, ठीक है ना, अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं, ऊपर अगर मैं रख दिया, तो आप जानते हैं कूलम ने क्या बता दिया, इसके लाइन में फोर्स लगाएंगे, एक इधर आएगा, ऐसे क्या आ जाएगा, इधर क्या है, एफ आएगा। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो इधर जाएगा, इधर मिलेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट है, नहीं है, जुड़ जा रहा है। तो भाई, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक ही डायरेक्शन में आप लगाएंगे तो कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा, वो तो उधर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगा। हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने लिखा ना, तो इक्विलिब्रियम के लिए इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ठीक, तो अब देख लीजिए, अगर मैं नीचे रखा तो फिर भी वही कंडीशन हो जाएगी, ये इधर जाएगा, इधर क्या, रिजल्टेंट इसका जाएगा।
तो ना तो ऊपर रख सकते हैं ना तो नीचे रख सकते हैं। अब बताइए लाइट चार्ज के क्या मैं बाहर रख सकता हूं, मैं ये देखूंगा लाइट चार्ज के बाहर। अब लाइट चार्ज के मैं बाहर देखता हूं, क्या बाहर मैं रख सकता हूं, ये देखता हूं। अगर मैं कहूं ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ठीक। अब मेरा मानना यह है कि मैं बाहर रख सकता हूं कि नहीं। अगर मैं यहां रख दिया, मान लीजिए इसके बाहर रख दिया, प्लस क्यू रख दिया, तो अब देखता हूं इसमें इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है कि नहीं। बताइए ए है ये बी है, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा एफ ए लगेगा, रिपल करेगा, ये भी क्या करेगा रिपल करेगी। अब यार ये तो क्या करेगा, इस पर जो नेट फोर्स लगेगा हमारा इधर लग रहा है और ये इधर की ओर एक्सेलरेट होगा, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना, अगर चार्ज है तो एक इधर लगे एक इधर लगे, और न तो बाहर होगा न तो ऊपर होगा न तो नीचे होगा न तो इसके आउटसाइड में रखेंगे, कब जब क्या होगा लाइट चार्जेस होगा, ठीक है ना। तो आपने देखा, तो ये कंक्लूजन आपको पता चल गया होगा कि हम इसके बीच में ही चार्ज क्यों रखते हैं, क्योंकि उस पर हमको क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिखाना है, एक इधर दिखे तो एक इधर दिखे। मैं अगर इधर रख दिया तो देखिए इस डायरेक्शन में, अगर मैं इधर रख दिया तो इस ये रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, उधर की ओर रिजल्टेंट लग रहा है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया, यहां बीच में रख दिया लाइट चार्जेस, ठीक है ना। तो अब देखिए, अभी प्लस प्लस लिया, अब मैंने क्या करता हूं, ये नंबर ए बी, माइनस माइनस के लिए भी होगा, माइनस माइनस के लिए हम अभी प्लस चार्ज ले रहे हैं, ठीक। ये भाई ये किधर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या करेगा बुलाएगा, जब सी क्यों अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एफ सी बी इक्वल टू अपोजिट है ना, है ठीक। तो अब इसमें एक चीज और देखना है मुझे, अभी सिर्फ लाइट चार्ज की बात हो रही, लाइट चार्ज में जो चार्ज होगा हमेशा बीच में रखा जाएगा, ठीक। अब एक बात और, अब मैं ये देखूं ये जो थर्ड चार्ज में रखा हूं वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या है, ठीक। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से थोड़ा डिस्प्लेस्ड करके छोड़ दूं, अगर वो अपने उसी ओरिजिनल पॉइंट पर आ जाए तो हम इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर मैं इसे खींच के छोड़ दूं, डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, फिर से वहीं पर आ जाए, खींच के छोड़ दूं वहीं आ जाए तो ये स्टेबल होगा। अगर क्या करूं, अगर खींच के छोड़ दूं, अगर ये वापस नहीं आए, ये ओरिजिन, ये क्या है आपका ओरिजिन है या मेन पोजीशन है, अगर ये वापस नहीं आया तो अनस्टेबल हो गया, ठीक। थर्ड नंबर, अगर मैं क्या करूं, अगर इसे थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो वही रुक गया, जहां रुक जाएगा तो उसे बोलते हैं न्यूट्रल, क्या बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आप तीन टाइप पढ़े, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, तो समझ में आया होगा, ठीक ना। तो अब देखिए, क्या अब मैं देखूं ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो उसके अलावा उसके साथ साथ आपसे पूछेगा पोजीशन, वैल्यू ऑफ चार्ज, और ये भी पूछेगा स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये बताइए जब ये क्या करेगा, इधर थोड़ा डिस्प्लेस्ड करके, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये तो अपने पास आने नहीं देगा, खींच के छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा इधर भेज देगा, ठीक। जब इधर आएगा इधर रिपल करेगा, यानी ये क्या करेगा, ऐसे से ऑसिलेट करता रहेगा, यानी अपने पोजीशन पे फिर से आएगा। इसकी जो कंडीशन है ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल है ना। और ये बताइए ये क्या स्टेबल है, अनस्टेबल है। तो अब बताइए ये जो है, अगर मैं इसे पकड़ के इधर थोड़ा डिस्प्लेस्ड कर दूं तो जानते क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस है, ये अट्रैक्ट कर लेगा, इधर आ जाएगा। अगर उधर डिस्प्लेस कर दिया तो वो खींच लेगा, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन फिर से नहीं आएगा, यानी ये कैसा है, अनस्टेबल है,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपने लाइक चार्जेस में देखा ये क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, या तो आप ये कह सकते हैं अगर एक ही लाइन में, देखिए नोट पॉइंट मिल गया, एक ही लाइन में अगर सेम नेचर के चार्जेस हों तो कैसा होगा स्टेबल, अगर अपोजिट नेचर हो गए इन दोनों माइनस ये प्लस हो गया अपोजिट नेचर हो गया तो क्या हो गया अनस्टेबल। सेम नेचर और ये क्या है अपोजिट नेचर, देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी सेम नेचर हो जाएगा तब। ठीक, अच्छा अब इसी में बात करता हूं, अगर मैं क्या करूं यहां प्लस है यहां प्लस है, यहां मैंने माइनस ले लिया, अभी तो प्लस प्लस लिखा ना, और ये माइनस क्यों है यहां माइनस क्यों है, यहां मैंने भी माइनस ले लिया, अभी आपसे बताया था मैं। ठीक, तो बिना देखे बता दीजिए ये सेम नेचर का है तो क्या होगा स्टेबल होगा, क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये क्या होगा अनस्टेबल होगा, क्योंकि अगर इधर खींचेंगे ये इधर तो क्या हो जाएगा रिपल्सन करंट फिर से उधर आ जाएगा, उधर खींचेंगे रिपल्सन करंट फिर से वही आएगा, लेकिन ये खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपने ओवरऑल ये देखा कि अगर सेम नेचर के हैं तो क्या हो जाएगा बताइए स्टेबल होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा अनस्टेबल होगा। देखिए ये सेम है ये सेम है, ये देखिए अपोजिट नेचर के हैं, तो ये रहा लाइक चार्जेस के बीच जब रखा गया लाइक चार्जेस। ठीक, अब हम देखेंगे अनलाइक चार्ज के बीच, नंबर है हमारा फॉर अनलाइक अनलाइक चार्जेस द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो थर्ड चार्ज कहां रखेंगे हम बाहर रखेंगे, तो देखिए इसमें ए नंबर देखता हूं क्या है ये प्लस है ये माइनस है। ठीक, पहले हम प्लस रखते हैं, तो ये क्या हमारा क्यू है और ये हमारे पास क्यू वन है और क्यू टू है। ठीक, हम कहां रखेंगे बाहर रखेंगे, और हमारे पास एक कंडीशन और है, हम वो थर्ड चार्ज समस्या किधर रखेंगे द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड टूवर्ड्स स्मॉलर चार्ज। हम किधर रखेंगे स्मॉल चार्ज की ओर रखेंगे, हम यहां पे मान लेते हैं क्या कहते हैं कि हमारा जो Q1 है इज ग्रेटर देन क्या है Q2 लेस है। ठीक, तो अब देखिए तो हम कहां रखेंगे थर्ड चार्ज, यहां रखेंगे, यहां मैंने प्लस क्यू रखा थर्ड चार्ज। ठीक, मैंने बताया ये क्या कहते हैं कि जो स्मॉलर चार्ज होगा उसी की तरफ रखेंगे, अब क्यों रखेंगे हम वो बताएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए कहां रखेंगे द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड टुवर्ड द स्मॉलर चार्ज। ठीक, फटाक जगह की प्रॉब्लम है, ठीक तो क्या है Q1 इज Q2। ठीक, यहां रखूंगा, अब देखिए क्यों बाहर रखा ये भी देख लीजिए, मैंने एक बात बताया था आपसे कि जो फोर्स होंगे वो क्या होने चाहिए इक्विवेलेंट अपोजिट होने चाहिए। ठीक, तो ये ए है ये बी है ये सी है, तो यहां पर मैं अगर फोर्स लगाऊं तो कितना हो जाएगा रिपल करेगा एफ, कितना एफ सी ए, और ये क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा
एफ सी बी, मैंने बताया था ना इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। अगर मैं बीच में रख देता, यहां अगर मान लीजिए एज्यूम करता हूं मैं रख देता, तो क्या हो जाएगा बता, ये क्या करेगा इधर लगाएगा और ये क्या करेगा इधर, ये भी खींचेगा या बी सी, देखिए रिजल्टेंट मतलब ये ओवरऑल अपनी तरफ खींच लेगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी नहीं पाएगी, राइट। चलिए तो अब देखते हैं, ये बात हो गई ना, तो आपको समझ में आ गया क्यों रखा। अब एक बात और मैं बताता हूं, ये स्मॉलर चार्ज की ओर क्यों रखा जाता है, ये भी है आपके मन में सवाल उठता होगा, आखिर में मैं स्मॉलर चार्ज की ओर क्यों रखा, आप ये बताइए। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास क्या है प्लस क्यू है, ये क्या माइनस क्यू है, तो आप बताइए, मैंने ये बताया ये जो Q1 है इज ग्रेटर देन Q2 है, मैंने बताया कि यहां रखना चाहिए ठीक, यहां स्मॉलर चार्ज के पास हमको रखना चाहिए, स्मॉलर चार्ज के पास इसलिए रखेंगे इसके कारण जो फोर्स लगेगा ये हमारा हो जाएगा एफ बी, और ये क्या इसके कारण जो लगेगा एफ ए हो जाएगा। भाई ये चार्ज क्या है, ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है चार्ज ज्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और ये ऑलरेडी कम है, ये भी कम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर मैं इधर रख देता बच्चों क्या हो जाता पता है, ये ज्यादा इसके कारण फोर्स क्या हो जाता बहुत ज्यादा हो जाता, और ये क्या ये कम है और डिस्टेंस ज्यादा है तो और कम हो जाएगा, यानी जो ये है या जो हमारा बी है कितना हो जाएगा वेरी वेरी लेस देन या फिर तब ये इक्विलिब्रियम थोड़ी ना कहलाएगा, तब ये तो मोर ग्रेटर हो गया, अब तो इसे एक्सीलरेट करवा लेगा। तो ये रीजन है कि हम स्मॉलर चार्ज की ओर रखते हैं, तो लोग बता देते हैं लेकिन मैंने आपको रीजन बताया, ठीक। तो अब देखिए अभी तक अब मैंने प्लस चार्ज लिखा, अब मैं माइनस चार्ज रखूंगा, है वही कंडीशन यानी Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मैं यही रखूंगा माइनस Q, ठीक C पर। तो अब देखिए तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये भाई रिपल करेगा इधर भगाएगा या सी भी, और ये क्या करेगा, ये बताइए क्या करेगा, इस पर अट्रैक्ट करेगा ना, या सी हो जाएगा, देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन बन रही ना। लेकिन अब ये देखना है ये जो कंडीशन हमारा अनस्टेबल है कि स्टेबल है कि न्यूट्रल स्टेबल है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस्ड कर दिया, प्लस है डिस्प्लेस्ड कर दिया तो क्या कर लेगा, खींच लेगा इधर, खींच लेगा वहीं आके रुक जाएगा, यहां रुक जाएगा ना, अगर मैं क्या करूं आ जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड कर दिया तो क्या करेगा भाई, इसका तो इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा नहीं, ये क्या करेगा, ये होने नहीं देगा, तो ये क्या होगा अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल। ऐसे ये भी ये क्या करूं, अट्रैक्ट करूंगा तो होने नहीं देगा, इधर रिपल करूं तो क्या करेगा, इधर अगर मैं डिस्प्लेस्ड करूं तो ये तो जाएगा लेकिन ये होने नहीं देगा, तो अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा ना, क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर ये क्या करते हैं खींच लेंगे तो वही रुक जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, राइट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज हम जनरल फॉर्म दिखाएंगे, जनरल फॉर्म, ठीक। हमने देखी, हमने तो चार्ज लिया लाइक चार्जेस Q1 Q2 है, यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसके बीच की जो डिस्टेंस हमारी है d है, हम मान लेते हैं x डिस्टेंस पर हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम ही में आ जाएगा, ये पॉइंट c दे दिया, ठीक, ये डिस्टेंस हमारा क्या बचेगा डी माइनस यक्स बचेगा, ठीक, राइट। चलिए इसके कारण जो फोर्स लगेगा रिपल करेगा कितना आएगा
एफ सी, इसके कारण कितना लगेगा एफ सी बी। फॉर इक्विलिब्रियम मैंने बताया था, फॉर इक्विलिब्रियम क्या मैंने बताया था, यानी ये एफ सी ए माइनस एफ सी बी विल बी इक्वल टू एफ नेट। एफ नेट मैंने बताया था जीरो होता है, एफ सी ए विल बी इक्वल टू एफ सी बी। बार बार यही लिखेंगे आप, ठीक है ना, बार बार ये दिखाने की जरूरत नहीं, दोनों को इक्वल कर दीजिए, ठीक। चलिए तो यहां देखिए, ये जो सी ए है, सी ए इसके कारण है ना, इसके कारण सी ए तो है, तो बताइए कितना हो जाता है, डायरेक्ट बताइए, 1/4 pi epsilon naught क्यू वन क्यू बाई कितना एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये बताइए ये किसके कारण, इसके कारण इधर है, तो बताइए 1/4 pi epsilon naught क्यू टू क्यू बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट जाएंगे, ठीक। यहां से मैं देखूं ये इधर चला जाएगा, डी माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा क्यू टू बाई क्यू वन हो जाएगा। तो डी माइनस एक्स बाई एक्स विल बी इक्वल टू रूट में क्यू टू बाई कितना हो जाएगा क्यू वन हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, यहां मैं प्लस माइनस लिखूंगा। तो यहां देखिए फॉर लाइट चार्ज, फॉर लाइट चार्ज के लिए हम क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे ना, और फॉर अनलाइट चार्ज के लिए हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक। जब लाइट चार्जेस होंगे पॉजिटिव लेंगे, अनलाइट चार्जेस होंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा। मैंने अभी पोजीशन निकाला, हमने पोजीशन दिखाया, अब वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज। तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ Q1 है, A है, ये Q2 है, B है, यहाँ पे हमारे थर्ड चार्ज है, इस थर्ड चार्ज को मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी आपने देखा ये हमारे पास कितना है, D है, और यहाँ X है, और यहाँ कितना था, X माइनस D था, ठीक। तो याद है जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या कहते हैं, जो पहले हमारे चार्जेस हैं उसके किसी एक पॉइंट पर मुझे क्या करना, नेट फोर्स क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो ए पर हम क्या करते हैं, फोर्स हम जीरो कर देते हैं ना, द नेट फोर्स एट ए विल बी जीरो। तो अब देखिए इसके कारण, देखिए इधर कितना लगेगा, यहां पर ए भी लगेगा, और इसके कारण ये क्या करेगा, ये भी तो रिपल करेगा, कितना लेगा एफ ए सी, तो एफ ए बी प्लस एफ ए सी विल बी इक्वल टू कितना, जीरो। तो एफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनस एफ ए सी, जब मुझे वैल्यू निकालना हो तब ऐसा करेंगे। ए बी किसके कारण, इसके कारण है, देख रहे हैं ना, बी ए ना, ए ड्यू टू बी। तो बताए कितना हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught क्या है, q2 q1 डिस्टेंस कितना है, by d square will be equal to minus, ये बताइए इसके कारण है 1/4 pi epsilon naught कितना है, q into q1 by x square, ये कट जाएंगे। अच्छा अब मैं ये देखता हूं Q2 Q1 by D square will be equal to minus Q Q1 by X square, ठीक। मैं Q1 से Q1 भी काट सकता हूं, तो बताइए ये जो Q होगा हमारे पास ये इधर चला जाएगा, माइनस Q2 by ये ऊपर चला जाएगा, X square by D square, Q will be equal to minus Q2 X by D का होल स्क्वायर। इसे जानते क्या बोलते हैं, अर्न साइड थ्योरम कहते हैं। तो देखिए सिंपल हो गया,
पोजीशन निकालना हो तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। याद रखिए पोजीशन लगाएंगे लाइट चार्जेस के लिए प्लस, अनलाइट चार्ज के लिए माइनस लेंगे। तो याद रहे जो Q2 होगा मैं ऊपर लिखूंगा इधर वाला चार्ज Q2 और नीचे ये वाला चार्ज, हम राइट देख लो जिधर से लिया जाएगा उससे दूर वाला चार्ज मैं ऊपर लिखूंगा राइट, और जिधर से लिया जाएगा वो पहले लिखूंगा। और इसमें देखता हूं माइनस क्यू टू ये वाला जो दूर वाला जो चार्ज होगा माइनस क्यू टू और एक्स वाई डी दिस बाई दिस लेंथ होगा ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी से ढेर सारे न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।